हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे दे तीवन। एयरफोर्स स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल से शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है। बिना परीक्षा यहां आप शिक्षक बन सकते हैं। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन के लिए कोई फीस आप लोगों की नहीं लगेगी, मात्र इंटरव्यू के आधार पर यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए एक एक करके जो है दोनों स्कूल की एडवर्टीजमेंट जो है वो हम देखेंगे मेन वेबसाइट पर जाकर। आर्मी पब्लिक स्कूल भटिंडा से यह वैकेंसी है, इसकी ये मेन वेबसाइट है और एडवर्टीजमेंट आप लोगों को कंप्लीट जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल भटिंडा रिक्वायर्ड्स टीचर्स ऑन कैजुअल बेसिस। यहाँ पर पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की एक वैकेंसी है और पीआरटी स्पोर्ट्स में एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या कहा गया है कि पीजीटी में यहाँ पर मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में या इसके इक्विवेलेंट बीपीएड जो है अगर आपने किया है तो आप लोगों को प्रेफर दिया जाएगा। पीआरटी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में और साथ में डिप्लोमा मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को पढ़ाना होगा। अभी यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोगों की डेट और टाइम दिया हुआ है, 6 सितंबर को आप लोगों को बायोडाटा के साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आप लोगों को स्कूल में पहुंच जाना है और साथ में आप लोगों को एक लेसन प्लान भी तैयार करना है किसी भी टॉपिक पर जो भी आपका स्ट्रांग रहा हो, ठीक है। उसको आप तैयार करके ले जाएंगे, इंटरव्यू आपका होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। एड्रेस जो है यही रहेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल भटिंडा, ठीक है। और इसकी मेन वेबसाइट जो है आर्मी पब्लिक स्कूल भटिंडा की ये रही और न्यूज़ में आप लोगों को यहाँ देखिएगा 26/8/2023 को ये नोटिस जो है जारी हुआ है, रिक्वायर्स टीचर ऑन कैजुअल बेसिस। बाकी और डिटेल जानने के लिए ये लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है एयरफोर्स स्कूल की है, एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज, यहाँ की वैकेंसी है। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आप देखें, क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट दी गई है। जहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, मास्टर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ में और साथ में एक किसी भी एयरफोर्स स्कूल में आपने सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाया हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी बीएड मांगी गई है, साथ में यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 सालों का, ठीक है। एज यहाँ पर 35 से 50 ईयर रहने वाली है और एज में एज रिलैक्सेशन जो है वुमेन कैंडिडेट को, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर लैंग्वेज जो रहेगी, तो यहाँ पर आप लोगों को रीड राइट एंड कम्युनिकेट, आप लोगों को बोलना पढ़ना लिखना जो है इंग्लिश में फ्लुएंटली आना चाहिए। नेक्स्ट सीटेट जो है यहाँ कंपलसरी नहीं है, एसटेट यहाँ कंपलसरी नहीं है। यदि आपने किया है तो ठीक है, नहीं भी किया है तो भी जो है यहाँ पर चलेगा। और इसी के जो है यहाँ पर एक छोटा सा जो एडवर्टीजमेंट मेन वेबसाइट पर डाला गया है जिसमें पेमेंट जो है लिखी है, पे स्केल क्या रहेगा यहाँ पर। तो ये जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, एक तो रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, 56,000 से अधिक जो है वो आप लोगों को यहाँ सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर इसकी जो मेन वेबसाइट है afsbamrauli.ac.in जो कि मैं आप लोगों को अभी ये इसकी मेन वेबसाइट है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ मिलेगा, तो नीचे स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 26 अगस्त 2023 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो ये डिटेल में एडवर्टीजमेंट है, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो ये जो है शॉर्ट नोटिस है जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को कैसे करनी है। एड्रेस ये रहेगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज और ये पिन कोड रहा। 11 सितंबर 2023 को इंटरव्यू रहेगा। द एनवलप आप लोगों को ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है, ये एड्रेस है आप लोगों का। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ये जरूर आप लोग एनवलप के ऊपर लिखेंगे, फॉर द एयरफोर्स बमरौली। तो या तो आप लोग स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है जो लिखा है इन्होंने, आल्सो कैंडिडेट कैन सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू स्कूल ईमेल। ईमेल आईडी दिया हुआ है स्कूल की, principal.afsschool@gmail.com। इस पर भी जो है वो आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने के, आप लोग पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। उसके बाद है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड अबाउट द डेट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू ईमेल एसएमएस। तो आप लोगों को ईमेल एसएमएस के द्वारा जो है वो पता लग जाएगा किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर फॉर्म फिल करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।